हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज़ मीनाक्षी सिंह और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एमके गांधी। ठीक है, आज हम पार्ट फोर डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एमके गांधी पार्ट फोर। सो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग सबसे पहले खिलाफत इशू डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे खिलाफत इशू, उसके बाद नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को। तो खिलाफत इशू था क्या? ठीक है, और अगर आपने इससे पहले बच्चों, जो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो लेकर आऊँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप उस वीडियो से उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। ठीक है, चलो तो अगर हम देखें, मैंने आपको कल वाली क्लास में रॉलेट एक्ट बताया था। तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन जो था जैसे ही ख़त्म हुआ, वैसे ही गांधी खिलाफत के मुद्दे की तरफ आकर्षित होने लग गया। यानी कि जैसे ही रॉलेट एक्ट का ये आंदोलन ख़त्म हुआ, वैसे ही तो इसमें क्या था, उन्हें मतलब हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करना, यानी यहाँ पर क्या था, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करना। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने तथा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आलम आंदोलन शुरू करने का अवसर मिला था कि भाई ब्रिटिश हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित की जा सकती है और हम क्या करेंगे, ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन कर देंगे। तो इस तरीके से दक्षिण अफ्रीका के कई दिनों से ही गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। तो खिलाफत आंदोलन अगर हम देखें, जिसका प्रमुख ध्येय क्या था, ऑटोमन साम्राज्य को बचाना था। यानी कि 19वीं शताब्दी के भीतर भारतीय मुसलमानों ने टर्की के मामलों में कभी भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी और ना ही टर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। लेकिन क्या हुआ, 1876 में क्या होता है, 1876 में ब्रिटेन के अनुरोध पर भारतीय मुसलमानों ने टर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानना स्वीकार कर लिया। ठीक है, 1876 में ब्रिटेन हिंदुओं के जो भारत के मुसलमान थे उनसे बोलते हैं कि आप टर्की के जो खलीफा हैं उन्हें अपना, मतलब जो टर्की के सुल्तान है उन्हें अपना खलीफा मानो। तो खलीफा का जो पद था, ठीक है, जब हम बात करें खलीफा के पद की, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ब्रिटेन के कहने पर अब मुसलमान क्या करते हैं, जो मुस्लिम्स थे उन्होंने टर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मान स्वीकार कर लिया। ठीक है, अब प्राप्त इति से अब क्या था कि खलीफा का पद प्राप्त करने के लिए कई दावेदार थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भारतीय जो मुसलमान अगर हम देखें तो इनकी ऐसी स्थिति में आ गए थे कि टर्की ब्रिटेन के विरोधी खेमे में था। जो टर्की था वो ब्रिटेन के विरोधी खेमे में था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग में। तो ब्रिटिश साम्राज्य ने अगर हम देखें तो नागरिक होने के नाते उनका पहला कर्तव्य भारत सरकार के प्रति निष्ठा था। तो ब्रिटिश साम्राज्य के नागरिक होने के कारण जो थे तो उनका पहला तो भाई कर्तव्य भारत सरकार के प्रति निष्ठा था। फिर धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार एक तरह से बाद में होता है। तो खलीफा के आदेश जो अपनी धार्मिक परंपराओं के अनुसार अगर हम देखें तो खलीफा के आदेश मानने के लिए बाध्य थे और संपूर्ण मुस्लिम समुदाय का धार्मिक नेता था वो खलीफा, है ना। खिलाफत का मुद्दा अगर हम देखें इस तथ्य पर आधारित था कि टर्की का सुल्तान सारे मुस्लिम समुदाय का खलीफा है और धार्मिक नेता होने के कारण इस्लाम के पवित्र स्थलों के प्रति उसके कुछ धार्मिक कर्तव्य हैं। जैसे कि उसमें अगर हम देखें, जैसे उल अरब में स्थित है ना, जजीरत उल अरब में स्थित है इस तरीके से। तो यहाँ पर यह था कि खलीफा के धार्मिक सम्मान और राजनीतिक शक्ति की रक्षा की जाए, ऐसे ही सब आ गया। मुस्लिम राज्यों की प्रभुसत्ता की गारंटी हो गई, गारंटी की बात आ गई। तो मुस्लिम समुदाय की ये मांगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री तथा वायसराय द्वारा युद्ध के दौरान आश्वासन पर आधारित थी। तो मुसलमान के पवित्र स्थल टर्की राज्य तथा मुस्लिम क्षेत्रों की स्वतंत्रता की रक्षा की जाएगी, ये बात हुई। इस वादे के आधार पर युद्ध के दौरान भारतीय मुसलमानों टर्की के मुसलमानों के विरुद्ध लड़ाई की थी। ठीक है, यही चीज़ था खिलाफत इशू आपका। और इसमें क्या था, इसके अंदर ग्रीस के टर्की के घर अर्थात जो अरब क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए उकसाया गया था, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, ठीक है, इराक, फ्रेंच, तो एक तरह से इनको मैंडेट इनके अंतर्गत सौंपा गया था। और टर्की के प्रति ब्रिटेन का रवैया विश्वघाती था। वादा तोड़ने का सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम देखें तो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि भारतीय मुसलमान समुदायों ने इससे काफ़ी ठेस पहुँची थी भारतीय मुसलमानों को। ठीक है,
क्योंकि टर्की को जो बचा हुआ था ना, इस्लाम के पवित्र स्थल जो थे वो अरब क्षेत्र के नियंत्रण इसके हाथों से निकल गए थे, तो इसी वजह से तो मुस्लिम लीग दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष में फजलुल हक के से आशंका जाहिर की कि भारत में मुसलमानों का भविष्य निराशाजनक होने जा रहा है, इसीलिए मुस्लिम उलेमाओं ने इसका हिस्सा लिया, ठीक है, इसमें हिस्सा लिया और 1919 के अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया था। तो ध्यान रखना 1919 जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप इसको सुनकर भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो 1919 में क्या होता है, 1990 में खिलाफत कमेटी का गठन होता है, क्या होता है, खिलाफत कमेटी का गठन होता है, ठीक है, खिलाफत कमेटी का गठन किया जाता है। अब इस तरीके से अगर हम देखें तो मोहम्मद अली 1920 में इन्होंने तीन मांगे की थी कि मुसलमानों के पवित्र धार्मिक स्थलों पर का नियंत्रण तुर्की के सुल्तानों को दे दिया जाए, ठीक है, उनके पास भूमि अवश्य होनी चाहिए मुस्लिम धर्म की रक्षा कर सके ताकि, और जो जजीरत उल अरब था मुस्लिम प्रभुसत्ता के अधीन होना चाहिए, ये सब चीज़ें थी। तो ध्यान रखना यही था आपका खिलाफत इशू, ठीक है। और नवंबर 1919 में गांधी ने खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था, 1919 में गांधी जी को, ठीक है, 1919 में जो गांधी जी को खिलाफत कमेटी का, जो खिलाफत कमेटी का गठन हुआ था ना, तो इसमें अध्यक्ष जो प्रेसाइड किया था वो गांधी जी ने किया था, गांधी जी को चुना गया था, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर यही चीज थी। चलो अब हम आते हैं असहयोग पे, ठीक है। अब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की बात कर लेते हैं। तो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट अगर हम देखें तो ये जून, ये 1920, तो जून 1920 तक अगर हम देखें तो आते आते जो है ब्रिटिश शासन के प्रति जो गांधी जी का दृष्टिकोण था वो विरोधी होना शुरू हो गया था, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो गए थे, ठीक है। तो इसी वजह से इस प्रक्रिया में रॉलेट एक्ट से उत्पन्न होने वाले शिकायतें, पंजाब का जलियांवाला बाग है ना, खिलाफत मुद्दे, इस तरीके से ये विश्वघात को भी, मतलब ये क्या हुआ था, इन हम सब के साथ विश्वघात हुआ था, आत्मसात हुआ था एक तरह से। तो 1920 में गांधी जी ने वायसराय को एक नोटिस भेजा। 1920 में क्या होता है, 1920 में गांधी जी क्या करते हैं, वायसराय को एक नोटिस भेजते हैं, एक नोटिस वायसराय को भेजा जाता है। अब ये नोटिस वहां पर भेजा जाता है तो इसमें क्या था, इसके अंदर किसी भी देश की जनता द्वारा गलत प्रशासन करने वाले शासकों की सहायता करने से इनकार करने के अधिकार का हवाला दिया गया कि अगर आप गलत काम कर रहे हो तो आपके जो जनता है वो आपका साथ नहीं देगी। तो 1 अगस्त 1920 को खिलाफत तथा पंजाब में हुए अत्याचारों के मुद्दे पर गांधी ने औपचारिक स्तर पर असहयोग आंदोलन शुरू किया था। तो 1 अगस्त को स्टार्ट हुआ था जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, अगर हम देखें तो ये स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 में। और ये क्यों स्टार्ट किया गया था, ध्यान रखना इसका स्टार्ट करने का, तो खिलाफत और जो पंजाब में अत्याचार हुआ था आपको बताइए जलियांवाला बाग वाला, ठीक है, उनके इस पे ये असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और कांग्रेस ने इस आंदोलन में अपनी सहमति नहीं दी थी, ध्यान रखना। 1920 के कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन बुलाया गया जहाँ पर इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। तो खिलाफत तथा पंजाब के अत्याचारों पर गांधी ने प्रस्ताव रखा कि उन्होंने बोला ये उपरोक्त गलतियाँ ठीक नहीं हो सकती, स्वराज स्थापित नहीं हो जाता जब तक, ठीक है। तो इसी वजह से स्वराज स्थापित करना बहुत ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें थी, आप ध्यान रखना। 1920 में आपका नागपुर अधिवेशन होता है, जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको लिखवा दे रही हूँ, ठीक है। ये नागपुर अधिवेशन करके ये कब हुआ है, 1920 में हुआ है नागपुर अधिवेशन, ठीक है। नागपुर अधिवेशन अगर हम देखें तो ये आपका 1920 में हुआ है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब ये असहयोग आंदोलन, जब हम नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो इसके क्या क्या विषय थे, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो असहयोग आंदोलन में आंदोलन का बहिष्कार, सरकारी स्कूलों का बहिष्कार, ठीक है, केंद्रीय विधानसभाओं में चुनावों का बहिष्कार, सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों का बहिष्कार, ये सारी चीज़ें शामिल थी, ये सारी चीज़ें थी। और इसमें क्या किया गया था, जो बेकार लोग थे जिनके पास कोई काम धंधा नहीं था तो उन लोगों को 20 लाख चरखों का वितरण किया गया था, 20 लाख चरखे का वितरण किया गया था, ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और असहयोग आंदोलन अगर हम देखें तो ये जो था 1921 तक असहयोग आंदोलन बौद्धिक वर्ग तक सीमित था, 1921 आगे, कहाँ 1920 में स्टार्ट हुआ था, 1921 तक ये बौद्धिक तक, एक तरह से बौद्धिक वर्ग तक सीमित था ये।
और 1921 के विजयवाड़ा अधिवेशन में भी कांग्रेस का विचार था कि नागरिक अवज्ञा आंदोलन के लिए किसी भी देश अभी पूरी तरह से अनुशासित और संगठित नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी 1921 तक 1 करोड़ स्वयं सेवकों की भर्ती की जाए और 20 लाख चरकों का वितरण का काम पूरा किया जाए, ये चीज़ सोची गई और 50 लाख की भर्ती कर ली गई फिर एक तरह से 50 लाख लोगों की, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1921 में अखिल भारतीय कमेटी कराची अधिवेशन होता है, ये भी ध्यान रखना कब हुआ है, 1921 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, ठीक है, कराची अधिवेशन क्या होता है, कराची अधिवेशन होता है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम देखें तो मुसलमानों के लिए ब्रिटिश सेना में बने रहना धार्मिक दृष्टिकोण से गलत है, यह अनुरोध किया गया था, ठीक है, और संदेश सेना में मुसलमानों तक पहुंचा देना चाहिए, ये चीज भी बोली गई थी, ठीक है, कि आपको उनकी सेना में नहीं बने रहना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इनमें ये भी बोला गया था कि भारतीयों को सरकार की नागरिक सैनिक सेवाओं से नाता तोड़ लेना चाहिए, ठीक है। इसमें अखिल भारतीय जो ये आपका कराची अधिवेशन था 1921 वाला, इसमें ये बोला गया था कि जो हमारे भारतीय हैं उनको जो ये ब्रिटिश जो सेना है इससे क्या कर लेना चाहिए, नाता तोड़ लेना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक ये हुआ था, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग चोरा चोरी वाला डिस्कस करेंगे, इसका थोड़ा सा और रह जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा शोर होने की वजह से अभी तक मैं यहाँ पर इसे रोकती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल।